नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सिरमौर की सियासत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का एक अहम योगदान रहा है। किसी समय पर यहां पर यह कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ माना जाता था और यहां से मध्य प्रदेश के इकलौते विधायक चुने जाते थे। जिस प्रकार से बिहार के कई क्षेत्रों में कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा होता था, कभी सिरमौर की सियासत में कम्युनिस्ट पार्टी का बोलबाला हुआ करता था। आज हमारे साथ कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार कांति कुमार जी हैं, और कांति कुमार जी किन मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में हैं, उनके चुनावी मैदान में होने से क्या आगामी चुनावों में असर होने वाला है, क्या हार और जीत का फासला तय होने वाला है, और जनता की किन समस्याओं से जनता को निजात मिलने वाली है, इन्हीं सारे मुद्दों की हम बातचीत करने के लिए कांति कुमार जी के साथ हैं। सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है द खबरदार। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी का ये कभी गढ़ होता था, क्या कारण हुआ कि फिर उसके बाद राम लखन शर्मा जी के बाद यहाँ पर खाता नहीं खोल सकी कम्युनिस्ट पार्टी? क्या था, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, जिस कारण संगठन मजबूत नहीं हो पाया, संगठन की गतिविधियाँ रुक गई थी, और फिर पार्टी ने यहाँ सक्रिय हुए और दलित, भूमिहीन, मजदूर, किसान, नौजवानों की लड़ाई को निरंतर 5 वर्षों से मैं लड़ रहा हूँ। पुंगल्ला छपरिया जैसे लोगों को, हमने गरीबों को, दलितों को, भूमिहीनों को बसाने का काम किया। इस समय हम पूरी तरह से पूरे क्षेत्र में सरकार के जन विरोधी नीतियों, प्रशासनिक कर्मचारियों के दमन के खिलाफ निरंतर लड़ाई लड़ रहा हूँ। यहाँ तो बड़े ताकतवर लोग जो तो चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े ताकतवर दल चुनाव लड़ रहे हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा जहाँ तक रही है तो वो तो सिक्कों में चुनाव लड़ने की योजना बना करके लड़ने वाले लोग हैं। हमारे जहन में एक पूर्णिया जिले के जो थे एक विधायक अजीत सरकार का नाम आता है, जो सिक्के जो थे इकट्ठा करवाते थे चुनाव लड़ने के लिए। आपकी क्या कार्य योजना? बस वही जिसका आपने नाम लिया, उन्हीं के गतिविधियों में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जन सहयोग से, चंदे से और जनता की ताकत से चुनाव लड़ती है। इसके इस पार्टी के नेता कामरेड यमुना प्रसाद शास्त्री थे, जो रीवा राजघराने के राजा और रानी दोनों को हराए थे। ये वो क्षेत्र है, संघर्षों का क्षेत्र है, जहां पूंजीवादी ताकतों को श्रम करने वाले, पसीना बहाने लोगों बालों बाने लोग हमेशा उनको पराजित किए हैं, और पूंजीवादी ताकतें यहां से हमेशा हारी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो वर्तमान चुनाव है, वो समय बीत गया कि जब पैसों के अभाव में भी चुनाव जीता जा सकता था। आज सरपंच जैसा चुनाव भी होता है तो वहाँ हजारों रुपए लगते हैं, तो आप किस तरीके से इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं? हम तो बता दिए कि अपने संघर्षों से, जो हमारे संघर्ष से जुड़े हुए हर दलित, आदिवासी, हरिजन, गरीब, भूमिहीन जुड़े हैं, उनकी ताकत से हम चुनाव को पैदल चल चल के गांवों में पहुंच रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता वहां हम कर रहे हैं। रही बात बहुजन समाज पार्टी और ये कांग्रेस, ये भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकतवर पार्टी, आप पैसे के बल पर है, जनता के बीच में इनका कोई प्रभाव नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का हरिजनों का वोट फिक्स माना जाता था, जो आज पूरे हरिजन समाज के, दलित समाज के लोग हमारे साथ भूखे प्यासे घूम रहे हैं। इसलिए मैं पूरी ताकत से, पूरे ईमानदारी के साथ हमारे लोग काम कर रहे हैं, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पूरी तरह से अस्तित्व खत्म हो चुका है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना अस्तित्व खत्म कर दिया है। सब लोगों ने वोट दिया, तब वो विधायक हुए थे, विधायक बनने के बाद वो एक जाति के रह गए थे, अपने सजाति लोगों के यहाँ उनका उठना बैठना था। दलित, हरियाणा, आदिवासी, छोटे व्यापारियों को उन्होंने लूटने का, उनके समर्थकों ने लूटने का काम किया, और उनके द्वारा जो प्रशासनिक तंत्रों की यहाँ पदस्थापना की जाती थी, जैसे हर थाने में थानेदार जो होता था वो ठाकुर होता था, उन्हीं समाज के लोगों के द्वारा इनके ऊपर दमन किया गया, इसलिए उनका यहाँ विकास का उनका कोई वास्ता नहीं रहा। जब 47 तालाब जबा तहसील के खाली हो रहे थे, तो इस लाल झंडे के लोगों ने लड़ा। उस समय ये दलित समाज के लोग उनसे अपने घर बचाने की बात करने के लिए गए थे, तो उन्होंने एकजुट हाथ उठा दिया था और ये कहा था कि हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, ये हाई कोर्ट का आर्डर है। तब इस लाल झंडे के लोगों ने, जानना चाहेंगे कि आप सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जाति, उस पर जो है तो जाति विभेदन का एक आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि 2 बार से लगातार वो यहां पर विधायक हैं, और दूसरी चीज, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, वो उनके कोर वोटर के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन आपने ऐसा कौन सा मंत्र दिया है जिसकी वजह से वो लोग आपकी तरफ आ? नहीं नहीं, मैं मंत्र कुछ नहीं दिया, मैं उनके बीच में काम करने का काम किया, उनके सम्मान और सुरक्षा की लड़ाई को हमने लड़ा, उनका सम्मान बचाने का काम किया। जब
गरीबी रेखा में नाम जोड़ने के लिए भ्रष्टाचार ऑफिसों में हो रहा था। जनपद का कार्यालय, तहसील का कार्यालय, थाने का कार्यालय व्यापारियों की दुकान की तरह खोल दिए गए थे। तब इस लाल झंडे के लोगों ने इस दलित समाज की लड़ाई को लड़ा है। दिल जीतने की बात का क्या हम करेंगे तो दिल जीतेंगे। रही बात विधायक जी इस समाज का वोट लेने के बाद इससे उनका कोई वास्ता नहीं रह गया। जब घर उजाड़े जा रहे थे 47 तालाबों का, लोग उनसे अपना मकान बचाने के लिए सहायता मांगने गए थे तो उन्होंने मना करके भगा दिया था। वही लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या अनुभव रहा है अभी तक के जनसंपर्क का, क्या चुनावी परिणाम होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? परिणाम जो लड़ेगा वो हमसे लड़ेगा, जो कोई लड़ेगा। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की, ये हमारे लड़ाई में ही नहीं है, ये लड़ाई से बाहर हो चुके हैं, जिसमें आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जैसे गांवों से भगाया जा रहा है, विधायक जी को अपमानित किया जा रहा है, उनको गांवों में नहीं घुसना दिया जा रहा है, इससे आंकड़ा लगाया जा सकता है कि लड़ाई में कौन है। लेकिन आप कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, आपकी एक अलग विचारधारा रही, एक विशिष्ट विचारधारा रही है, तो जो पिछले बीते दिनों कुछ वायरल वीडियोज हो रहे हैं गाँवों से भगाया जा रहे हैं प्रत्याशियों के समर्थकों को, क्या लोकतंत्र में विरोध करने का ये एक सही तरीका है? या तरीका है भाई, हम आज जनता के, आज हम पटेहरा के गांव में आए, जन समस्याओं को पूरा करने का वादा किया और विधायक बनने के बाद हम यहां मुंह न दिखाएं तो हमको भगाने चाहिए इन लोगों को। लेकिन विरोध करने का ये तरीका कितना सही, क्योंकि हमें लोकतंत्र में मतदान करने का अधिकार है, हमें कोई उम्मीदवार पसंद ना हो तो नोटा दे सकते हैं, फिर इस तरीके की नहीं। आपकी गलती को आपके मुँह में कहना, ये जागरूक मतदाता की पहचान है। आपकी गलती को आपके मुंह में कह देना कि आपने ये वादा करके गए थे, आपने 5 वर्षों तक मुंह नहीं दिखाया। अगर कोई ऐसी सही बात कह दिया है, इसका मतलब कि मतदाता जागरूक हो चुका है, मतदाता किसी का अब गुलाम नहीं रह गया है, मतदाता स्वतंत्र निर्णय जब लेगा। केरल के अंदर आप देखिए, वहाँ का पढ़ा लिखा समाज है, मतदाता जागरूक है, तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वहाँ सरकार है, लंबे समय से सरकार बनी है। एक सवाल ये भी अहम है कि जैसे साउथ इंडिया की बात करते हैं, दक्षिण भारत की बात करते हैं, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का एक गढ़ अब भी स्थापित है, कम्युनिस्ट पार्टी के दल से लोग चुने जाते हैं, लेकिन फिर क्या कारण है कि ये वादा करके गए थे, आपने 5 वर्षों तक मुंह नहीं दिखाया। अगर कोई ऐसी सही बात कह दिया है, इसका मतलब कि मतदाता जागरूक हो चुका है, मतदाता किसी का अब गुलाम नहीं रह गया है, मतदाता स्वतंत्र निर्णय जब लेगा। केरल के अंदर आप देखिए, वहाँ का पढ़ा लिखा समाज है, मतदाता जागरूक है, तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वहाँ सरकार है, लंबे समय से सरकार बनी है। एक सवाल ये भी अहम है कि जैसे साउथ इंडिया की बात करते हैं, दक्षिण भारत की बात करते हैं, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का एक गढ़ अब भी स्थापित है, कम्युनिस्ट पार्टी के दल से लोग चुने जाते हैं, लेकिन फिर क्या कारण है कि उत्तर भारत की तरफ जब हम रुख करते हैं तो यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी, चाहे विचारधारा के मामले पर हो, चाहे जनप्रतिनिधियों की संख्या के मामले पर हो, या जनता से जुड़ाव के मामले हो, पीछे हो जाते हैं कहीं ना कहीं, क्या कारण मानते हैं? उसका कारण कुछ नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी है, अब भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जाति पात धर्म मजहब के नाम पर राजनीति करने के लिए, तो जब सवाल हराने और जिताने का आ जाता है, उस समय लोग ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कौन पराजित कर रहा है। इसलिए वहाँ इस तरीके से हम लोगों की परिस्थितियाँ बनी हैं, वहाँ अब अच्छी परिस्थितियाँ हो रही हैं। अगर अगला चुनाव होगा तो हम लोग जहाँ जहाँ हमारी सरकारें थी, हम आ जाएंगे। यहाँ पर बिंध को लेकर के एक मांग उठती रही है आप लोगों का, कम्युनिस्ट पार्टी का, उनके प्रत्याशियों का, बिंध प्रदेश को लेकर के क्या मानना है, क्या रुख है? ये सही बात है कि बिंध प्रदेश यहाँ पहले था, बिंध प्रदेश होना चाहिए, पर अभी जनता एकजुट होकर के उतनी तगड़ी से लड़ाई नहीं लड़ रही। अभी सवाल यहाँ पर है भूमिहीन दलित आदिवासी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था का। अगर ऐसा होता है, उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी, जब सारे छोटे छोटे राज्य बनाए जा रहे थे, उस समय बिंध को भी अलग किया जा सकता था। जो लोग आज बिंध की मांग कर रहे हैं, उस समय उस सत्ता में थे, तब बिंध की लोगों को, बिंध का उपेक्षा उन्होंने किया, बिंध के मुद्दे को अच्छे तरीके से नहीं उठाया। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये चुनावी स्टंट है, लोगों को बरगलाने का काम है। ये तो सत्ता में जो आएगा, जिसकी सरकार होगी, केंद्र और राज्य जब दोनों एक सरकारें होंगी, दोनों सरकारें की सहमति बनेगी, तब राज्य का गठन होगा, ऐसा उसका वो है। और एक चीज़ और है कि बिंध की जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में आज़ादी के बाद का भारत भी आता है। पूरे देश में कांग्रेस की सत्ता एक तरफा जीत रही थी, बिंध में सोशलिस्ट पार्टी अपना जो था एक गढ़ बना रही थी। लोहिया जी ने भी कहा था कि बिंध एक सामाजिक परिवर्तन का, एक सामाजिक क्रांति की प्रयोगशाला के तौर पर देखा जा रहा है, तो क्या आपके द्वारा एक बार फिर से वो परिवर्तन, हाँ, वो प्रयोगशाला होगा बिल्कुल देगी। वही तो, इसीलिए तो हमने कह दिया कि जो कोई भी लड़ रहा है वो हमसे लड़ रहा है,
क्योंकि मैं दलित समाज जो है हर किसी भी जात समाज का हो, किसी भी जात समाज का व्यक्ति है, यदि गरीब है, उपेक्षित है, पीड़ित है, तो वो कम्युनिस्ट के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो भारतीय जनता पार्टी और BSP के लोग हैं, एक 32 पीढ़ी तक राज्य करके इसी जनता का शोषण किया है और इनकी राज्य से लोग दुखी होकर के संघर्ष करके स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े और राजपाट इनका समाप्त हुआ। इसलिए जनता एक तरफ उनको ठुकराना चाहती है, दूसरा 40 वर्षों तक एक पुलिस के पद पर, अधिकारी के पद पर रह करके 40 वर्षों तक न उनको ये क्षेत्र का एहसास हुआ, न इस समाज को वो पहचाने, न किसी भी जगह वो एक भी देवी देवता, डालडा, चीनी, शक्कर कहीं बांटे। जब उनको चुनाव लड़ने का समय आया, रिटायरमेंट का उनका समय आया, तब वो जा करके देवी देवता बांट करके, चूँकि भारतीय जनता पार्टी देवी देवताओं के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर सत्ता में बैठी, तो वो एक प्रयोग किए और उस प्रयोग का एक रिजल्ट था कि जो वो जनपद की कुर्सी में बैठे और 2 वर्षों तक वो 1 रुपये का काम नहीं किए, सिर्फ वही जंगलों में भाटा भरता की भाजी रोटी खाने का काम किया, डालडा चीनी देवी देवता बांटने का। सही है या गलत, सीधे शब्दों के में? नहीं, बिल्कुल सही है, उनका यहाँ कोई मतलब नहीं है। क्षेत्र में सबसे बड़ी भूल यही होगी कि यदि पूंजीवादी ताकतें चुनाव जीतती हैं तो गरीब के समाज का पढ़ा लिखा नौजवान जनता की, समाज की सेवा करने का मन नहीं बनाएगा, क्योंकि ये उनके दिमाग में बात बैठेगा कि अब सत्ता में या जनप्रतिनिधि के रूप में यदि चुनाव जीतना है तो पूंजी के ही आधार पर चुनाव जीतना है। इसलिए जनता पूरी तरह से इनको ठुकराना चाहती है, समाज सेवा का और पूंजीवादी ताकतों से कोई संबंध नहीं है, ये दूध और माठे की तरह है। मैं धार्मिक मुद्दों को इसलिए इसलिए यहाँ पर पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके पूर्व नेता कन्हैया कुमार के जो भाषण आते हैं कहीं ना कहीं जो है तो वो शिक्षा पर, रोजगार पर और एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर बात करते हैं, और जो राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर और सारे ऐसे मुद्दे हैं, धार्मिक मुद्दे हैं, उनसे किनारा करते हुए दिखते हैं। तो क्या कम्युनिस्ट विचारधारा देवी देवताओं के रुख को लेकर के थोड़ा सा नकारात्मकता की ओर? कम्युनिस्ट सही सही हनुमान जी का भक्त है। कम्युनिस्ट जो है ये देवी देवता जो पूजा पर अर्चना करने का सवाल है, ये अपना व्यक्तिगत आस्था है। आप हर घर के कुल देवता हैं, हर कोई शंकर जी की पूजा करता है, कोई हनुमान जी की पूजा करता है, कोई किसी देवी की पूजा करता है, कोई माँ शारदा की पूजा करता है, हर व्यक्ति अपने अपने घरों में देवी देवताओं को रख के पूजा करते हैं। गांव में बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, मैं तो क्षेत्र में घूम रहा हूँ, वहाँ उन मंदिरों में स्थापित मूर्तों में कोई एक लोटा पानी डालने वाला नहीं है। अयोध्या में इतना बड़ा राम मंदिर बनवा करके, दंगा फैलवा करके, अरबों रुपये इकट्ठा करने का क्या औचित्य था? जिसकी जो जहाँ जैसी आस्था होगी वो खुद वहाँ जा करके, चित्रकूट में भी भगवान है, तमाम जहाँ जहाँ भगवान गए वहाँ वहाँ वो जा करके उस धरती को प्रणाम करते हैं, वहाँ बैठ के पूजा करते हैं। हर जगह भगवान है, हम कहीं भी देखेंगे भगवान है, उसमें किसी जगह को चिन्हित करने का क्या मतलब है? मतलब जो पूजा पाठ है वो एक व्यक्तिगत मसला है, उससे पॉलिटिकल जो तो माइलेज लेने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, वो अपनी व्यक्तिगत आस्था। जैसे आप किसी देवता की पूजा करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम भी उसी देवता की पूजा करें, वो अपना व्यक्तिगत मैटर है। हम जिस देवता से आस्था रखते हैं, जिस पर हमारा विश्वास है, जिस पर हमारा भरोसा है, उसकी हम पूजा अपने घर में करते हैं। अब आखिरी में मैं यही जानना चाहूँगा, सिरमौर क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे कौन से? सिरमौर क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा है जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने, जब कांग्रेस की सरकार थी 2000 में, यहाँ डकैतों का बहुत बड़ा आतंक था और उस डकैतों के आतंक से दिन डूबने के बाद इस समय बाजार में सन्नाटा छा जाता था। जब इस लाल झंडे के विधायक हुए तब हर पटेहरा में भी पुलिस लगी, हर जगह पुलिस लगी और डकैतों का सफाया हुआ। लेकिन डकैत भी तो लाल झंडे वाले होते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। नक्सलवादियों की जब हम बात करते हैं तो देखिए, अगर लाल झंडा है और ये निशान है तो इनसे ज़्यादा चरित्रवान और ईमानदार, संघर्षशील, जनता की सेवा करने वाला, सही बोलने वाला व्यक्ति कहीं नहीं मिलेगा। तो फिर वो कौन से लोग? क्योंकि ये उनके दिमाग में बात बैठेगा कि अब सत्ता में या जनप्रतिनिधि के रूप में यदि चुनाव जीतना है तो पूंजी के ही आधार पर चुनाव जीतना है। इसलिए जनता पूरी तरह से इनको ठुकराना चाहती है, समाज सेवा का और पूंजीवादी ताकतों से कोई संबंध नहीं है, ये दूध और माठे की तरह है। मैं धार्मिक मुद्दों को इसलिए यहाँ पर पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके पूर्व नेता कन्हैया कुमार
के जो भाषण आते हैं कहीं ना कहीं जो है तो वो शिक्षा पर, रोजगार पर और एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर बात करते हैं, और जो राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर और सारे ऐसे मुद्दे हैं, धार्मिक मुद्दे हैं, उनसे किनारा करते हुए दिखते हैं। तो क्या कम्युनिस्ट विचारधारा देवी देवताओं के रुख को लेकर के थोड़ा सा नकारात्मकता की ओर? कम्युनिस्ट सही सही हनुमान जी का भक्त है। कम्युनिस्ट जो है ये देवी देवता जो पूजा पर अर्चना करने का सवाल है, ये अपना व्यक्तिगत आस्था है। आप हर घर के कुल देवता हैं, हर कोई शंकर जी की पूजा करता है, कोई हनुमान जी की पूजा करता है, कोई किसी देवी की पूजा करता है, कोई माँ शारदा की पूजा करता है। हर व्यक्ति अपने अपने घरों में देवी देवताओं को रख के पूजा करते हैं। गांव में बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, मैं तो क्षेत्र में घूम रहा हूँ, वहाँ उन मंदिरों में स्थापित मूर्तों में कोई एक लोटा पानी डालने वाला नहीं है। अयोध्या में इतना बड़ा राम मंदिर बनवा करके, दंगा फैलवा करके, अरबों रुपये इकट्ठा करने का क्या औचित्य था? जिसकी जो जहाँ जैसी आस्था होगी वो खुद वहाँ जा करके, चित्रकूट में भी भगवान है, तमाम जहाँ जहाँ भगवान गए वहाँ वहाँ वो जा करके उस धरती को प्रणाम करते हैं, वहाँ बैठ के पूजा करते हैं। हर जगह भगवान है, हम कहीं भी देखेंगे भगवान है, उसमें किसी जगह को चिन्हित करने का क्या मतलब है? मतलब जो पूजा पाठ है वो एक व्यक्तिगत मसला है, उससे पॉलिटिकल जो है तो माइलेज लेने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, वो अपनी व्यक्तिगत आस्था। जैसे आप किसी देवता की पूजा करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम भी उसी देवता की पूजा करें, वो अपना व्यक्तिगत मैटर है। हम जिस देवता से आस्था रखते हैं, जिस पर हमारा विश्वास है, जिस पर हमारा भरोसा है, उसकी हम पूजा अपने घर में करते हैं। अब आखिरी में मैं यही जानना चाहूँगा, सिरमौर क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे कौन से? सिरमौर क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा है जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने, जब कांग्रेस की सरकार थी 2000 में, यहाँ डकैतों का बहुत बड़ा आतंक था, और उस डकैतों के आतंक से दिन डूबने के बाद इस समय बाजार में सन्नाटा छा जाता था। जब इस लाल झंडे के विधायक हुए तब हर पटेहरा में भी पुलिस लगी, हर जगह पुलिस लगी और डकैतों का सफाया हुआ। लेकिन डकैत भी तो लाल झंडे वाले होते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। नक्सलवादियों की जब हम बात करते हैं तो देखिए, अगर लाल झंडा है और ये निशान है तो इनसे ज़्यादा चरित्रवान और ईमानदार, संघर्षशील, जनता की सेवा करने वाला, सही बोलने वाला व्यक्ति कहीं नहीं मिलेगा। तो फिर वो कौन से लोग होते हैं जो दंतेवाड़ा जैसी जगहों पर जो तो नक्सली हमले करते हैं, हजारों लोगों को मारते हैं और लाल झंडे फहराते हैं? नहीं, अभी आपने सवाल उठाया कि सिरमौर में आपके विकास का मुद्दा क्या है, आपने ये उठाया, फटक रहे हैं, देखिए फटक नहीं रहे, हम उसी मुद्दे पर बात, वो परिस्थितियाँ वापस आ गई कि पहले डकैत जंगलों से आकर के पकड़ करते थे और जंगल ले जाते थे। इस विधायक जी के कार्यकाल में 10 वर्षों से गांव-गांव गुंडे तैयार हुए, गांव-गांव असामाजिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं, गिट्टी मोरम पत्थर की अवैध खदानें चल रही हैं। वो किसी भी पार्टी के हों, अगर विधायक जी के जात के हैं, विधायक जी के समाज से हैं, तो उनके लिए वो सब परमिटेड है, वो सब काम सही है। यदि उसी काम को कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो वो काम अवैध है। इस कारण जनता पूरे की एक विचारधारा परिणत हो रही है क्षेत्र में, एक वैचारिक तौर पर इस तरीके के परिवर्तन हो रहे हैं। तो क्या विश्वास दिला रहे हैं आप? कैसे विश्वास दिलाएंगे कि जब आप विधायक बनेंगे, आप चुने जाएंगे, तो आपके जाति के लोग जो तो हावी नहीं होंगे? नहीं, हमारा तो रिजल्ट है सामने। 5 वर्षों में हमने पोंगल्ला जैसे, छपरिया जैसे गरीबों, चुने जाने के बाद स्थितियां बदल गई है। मैं वही बात कह रहा हूं, जब हमारे 10 वर्षों तक विधायक थे तब का रिजल्ट, तब की व्यवस्था ये पूरे क्षेत्र की जनता जानती है। 5 वर्षों से निरंतर हम गलत आदमी को, हम तो जात पात पर भरोसा करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, हम तो सिर्फ 2 जातियाँ मानते हैं, एक अमीर दूसरा गरीब, एक महिला दूसरा पुरुष, इसके अलावा मैं किसी जाति को नहीं मानता हूँ। रही बात हम लोगों का, मूल रूप से ये अपना विचार है कि स्कूलों में अच्छी पढ़ाई हो, खाद्यान्न की जो दुकानें हैं वहाँ जितना जिसका खाद्यान्न का हक है उसको उतना खाद्यान्न का हक मिले, जो तहसील और फॉरेस्ट की आपसे हैं, जनपद का काम है, जो मूलभूत की ज़रूरतें हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, उनको बगैर पैसे को जनता को उसका लाभ मिले, उसी उद्देश्य को लेकर के हम 5 वर्षों से लड़ रहे हैं, हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब कितना सफल हुए कितना नहीं सफल हुए वो जनता जानेगी, पर यदि इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मिला तो स्कूलों की पढ़ाई चुस्त दुरुस्त होगी, अस्पतालों में डॉक्टर की पदस्थापना होगी, सोसाइटी उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्न का पर्याप्त, जितना जिसको खाद्यान्न मिलना चाहिए उतना खाद्यान्न मिलेगा,
गरीबी रेखा में नाम उसी व्यक्ति का जुड़ेगा जो गरीबी रेखा का पात्र है। प्रधानमंत्री में नाम लाभ उसी को मिलेगा जिसका प्रधानमंत्री की पात्रता आवास का रखता है। हम इन सवालों को हमको एक्स्ट्रा कोई वो नहीं करना है। जो हमारे प्रदेश के अंदर जो बजट बनेगा, एक विधानसभा का जो हमारा बजट होगा, उस बजट में कोई कटौती नहीं होगी। जैसे पूरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के क्षेत्र में जितना बजट जाएगा उतना बजट हमारे सिरमौर में भी आएगा। इसके लिए हम पूरी ताकत के साथ प्रयास करेंगे, काम करेंगे, इन लोगों को स्वतंत्र ज़िंदगी, जिस तरीके से महलों में रहने वालों लोगों का सम्मान शासकीय दफ्तरों में होगा, उस तरीके से फटे कपड़े और खेत में काम करने वाले लोगों का भी सम्मान वहां होगा, उनका काम होगा। बस इतने ही काम है। आपकी बातचीत का जो पूरा सारांश है वो ये है कि आम आदमी की रोटी कपड़ा मकान के साथ शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था आप करवाएंगे, लेकिन आपने एक बात कही कि फटे हाल जो लोग हैं उनका भी उतना सम्मान होगा जितना अमीरों का सम्मान होगा। तो मतलब आप भी ये मान रहे हैं कि जनता भी फटे हाल ही रहने वाली है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा मतलब ये है कि जब हमारा वोट का अधिकार तो एक है, महलों में रहने वाला व्यक्ति अगर एक वोट देने का अधिकार है, रोड में काम करने वाले, खदान में काम करने वाले का वोट का एक अधिकार है, तो जो सरकारी योजनाएं हैं या शासकीय कार्यालय हैं, उन शासकीय कार्यालयों में उनके सम्मान की भी वही व्यवस्था होनी चाहिए। संविधान में जो व्यवस्था दी गई है, लोग हैं संविधान में जो व्यवस्था दी गई है, संविधान में किसी को ऊंचा, किसी को नीचा, किसी को बड़ा, किसी को छोटा नहीं माना गया है। उसी के संविधान के अनुरूप हम काम करना चाहते हैं, वही व्यवस्था हम चाहते हैं। चर्चा में जुड़